हम इसको मार्किंग पहले से कर चुके हैं, ये कैरोसिन है गिलास कटिंग करने का। ये हमारी टुकड़ी आ चुकी है, पटरी ये टुकड़ी है और हमारी ये टुकड़ी इस गिलास पे इस तरीके से लग जाएगी। और इसमें दोस्तों थोड़ी बेवलिंग भी करानी है हमें। टुकड़ी किस तरीके से बनती है वो भी दिखाऊंगा इस वीडियो में, ज़्यादा बड़ी होगी दोस्तों। टुकड़ी आ गई, हम सारी टुकड़ी काट चुके हैं दोस्तों। और मैं दोस्तों बता देता हूँ आपको, मैं इन टुकड़ियों में बेबलिंग किस तरीके से होती है ये भी बताऊंगा आपको। ये वीडियो आखिर तक देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए कटिंग पूरी, ये सिंपल टुकड़ी है। अब अपने भारी टुकड़ियों में भी वर्क दिखाएंगे आपको, जो टेढ़ी मेरी टुकड़ी आती है ना उसमें भी वर्क आपको दिखाऊंगा। इससे पकड़कर इस तरीके तोड़ देंगे और अपनी ये रह गई है दोस्तों। हम देखो सब गिलास की टुकड़ियाँ काट चुके हैं ये, और इनमें हम करेंगे अब बेवलिंग। चारों साइड इसकी बेवलिंग आएगी टुकड़ियों के, वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे किस तरीके से टुकड़ी बनती है। ये देख बेवलिंग देखने के लिए हमारी पूरी वीडियो देखें। अब ये वर्क होगा बेवलिंग का, आगे देखती है बेवलिंग वर्क। ये है हमारा गिलेंडर, इससे हम काटेंगे इसमें टुकड़ी। जिधर से ये टॉप लिखा हुआ है इधर से टुकड़ी हम बेवलिंग काट लेंगे चारों साइड। देखिए अभी किसी अभी पूरी वीडियो देखिए किस तरीके से हम बेवलिंग काटेंगे। दोस्तों हमारी देखो बेबलिंग कट चुकी है इस पर गिलास के चारों साइड, बेबलिंग टुकड़ी में बेबलिंग कट चुकी है। ये देखिए ये बेबलिंग कट चुकी है, देखो पूरे गिलास पे। दोस्तों इस मशीन पर ये बेबलिंग की जो टुकड़ी है इस तरीके से नरमाई जाएगी, वो भी दिखाएंगे आपको सही करके नरमाई जाएगी। यह है पॉलिश मशीन, बेबलिंग काटने के बाद नरमाते हैं, उसके बाद इस पर पॉलिश खुलती है, चमक आती है गिलास पे। ये हमारी बेवलिंग कटी हुई थी,
बेवली कटी हुई है दोस्तों, ये बेवली हमने काटी, और ये नरमा चुके हैं मशीन पर, कट्टा मशीन पर नरमा चुके हैं, हमने नरमा ली है। और ये दोस्तों हमने पॉलिश मशीन से दिखाई थी जिससे चमक आती है गिलास में, तो ये चमक हमने पूरी तैयार कर ली है टुकड़ी, और ये गिलास पे किस तरीके से पेस्ट होगी केमिकल से, यूवी केमिकल से, तो देखिए। ये देखिए हमने सब टुकड़ी साफ़ कर कर, जहाँ जिस जगह अगर पेस्टिंग पेस्ट होगी हमने सब जगह रख लिए हैं, यहाँ यूवी से पेस्ट कर लेंगे सब केमिकल से अपने, ये सब हमने जहाँ जहाँ लगेगी पेस्टिंग वहाँ पर रख दी है, साफ़ करके अच्छी तरीके से हमने पेस्टिंग रख ली है। अब हम यूवी से गिलास की टुकड़ी गिलास पर चिपका लेंगे, गिलास टू गिलास हो जाएगा, ये गिलास की हमने टुकड़ी बनाई थी, तो ये केमिकल से इस गिलास पर हम चिपका लेंगे अच्छी तरीके से दोस्तों, चिपकाएंगे हम, क्योंकि अगर इसमें बबल्स आ जाते हैं वो लग जाता है, तो उसमें रोशनी में बबल्स अलग अलग दिखते हैं, तो ध्यान से चिपकाइएगा। ये हमारी टुकड़ी चिपक चुकी है, अब ये हम इसे लाइट, बाद में लाइट दिखा देंगे, सबको चिपका कर अच्छी तरीके से हम इसको भी चिपका लेंगे, दूसरी टुकड़ी को, इस टुकड़ी को भी अच्छी तरीके से चिपका लेंगे। और ये ध्यान रखना कि इसमें बबल्स नहीं आए, बबल्स से आएंगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे, वो ज़रूर ध्यान रखना। इस टुकड़ी को भी हम इसी तरीके से चिपका लेंगे, हमने ध्यान से चिपकाई थी, इसमें बबल्स नहीं है, कोई भी टुकड़ी में बबल्स नहीं है, हमने ध्यान से ये टुकड़ी चिपका ली है। और बाकी भी ये टुकड़ी हैं जितनी, हम इस तरीके से सब टुकड़ी को चिपका लेंगे, यूवी केमिकल से अच्छी तरीके से चिपका लेंगे, तो इससे छुटने की नहीं है, ये गिलास टू गिलास अच्छी तरीके से चिपक जाती है। सब टुकड़ी हमारी चिपक चुकी है, अब इसे हम लाइट दिखा देंगे, इससे पेस्टिंग अच्छी तरीके से पेस्ट हो जाएगी। लाइट दिखा देंगे सब टुकड़ियों पर, अच्छी तरीके से पेस्टिंग हो जाएगी। ये ध्यान रखना है कि इसे लाइट दिखा दीजिएगा, और आप धूप में भी रख सकते हैं टुकड़ी लगाकर, धूप से भी दिखा सकते हैं, सूरज की लाइट में भी रख देंगे तो उससे भी टुकड़ी अच्छी तरीके से चिपक जाएगी, और लाइट भी दिखा सकते हैं, लाइट से भी चिपक जाएगी। मैंने थोड़ी लाइट दिखाई और सूरज की रोशनी में रख दिया था तो उससे चिपक गई थी अच्छी तरीके से। यूवी साफ़ कर लेंगे, जो थोड़ी थोड़ी ख़राब थी यूवी साफ़ कर लेंगे। ये हमारा गिलास तैयार हो चुका है, टेक्चर टुकड़ी लाइनिंग वर्क डिज़ाइन, और ये साइड पर जाकर लग जाएगा। देखिए टुकड़ी हमने पीछे जहाँ लाइनिंग करा था ये सीट, वहाँ पर पेस्ट कर दिया, इतना अच्छा गिलास लग रहा है दोस्तों। अगर आपको गिलास अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में।